नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान रूस के खिलाफ हालिया बगावत की कोशिश और यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। पुतिन ने मोदी को जंग के बारे में ताज़ा हालात की जानकारी दी। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ शिकायती लहजा अपनाया और कहा कि यूक्रेन सरकार मामले का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए गंभीर नहीं है। एक दिन पहले ही पुतिन ने मास्को में एक प्रोग्राम के दौरान मोदी की तारीफ में कहा था, भारत के प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त मोदी ने मेक इन इंडिया शुरू किया था, आज दुनिया उसकी कामयाबी देख रही है। पुतिन के ऑफिस की तरह से जारी बयान में बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान भारत से दोस्ती और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोदी ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन का मसला डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने पुतिन को हालिया अमेरिकी दौरे की जानकारी भी दी। रूस में हालिया वैगनर बगावत पर मोदी ने पुतिन सरकार का समर्थन किया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।